इधर साइड में पहले फुल करना। इफ्तार गिफ्ट फॉर पुरानिक स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं, तो विलेज वन में बच्चों को बिरयानी वगैरह जो है तकसीम किए, वहाँ पे दावत हुई, बच्चे बहुत खुश हुए। और इसी के साथ साथ विलेज टू मकतब, यानी कि जहाँ कुरान पढ़ते बच्चे विलेजेस में, ये विलेज टू मकतब है, यहाँ पे इफ्तार गिफ्ट बांटने के लिए जो है जा रहे हैं। खजूर है, ऑरेंज पल्प है, और एक एप्पल है, एक प्रोमेगनेंट है, अनार वगैरह, तो बांटने के वास्ते जा रहे, देखेंगे आगे इंशाल्लाह। अभी तो गांव के करीब है, वहाँ जाने के बाद में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए गांव में पहुंच गए, रास्ता जो है थोड़ा कच्चा है, ऐसे इलाकों में पहुंच के देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। सिटीज़ में वगैरह में हर कोई दावत करते हैं, दावत होते रहते, इफ्तार पार्टीज होते रहते, गरीब भी खाता, मुस्तहिक भी खाता, अमीर भी खाता, सब खाते। से गांव में पहुंच के देंगे तो इंशाल्लाह जो है, जैसे कि मालूम है गांव में क्योंकि पुरसाने हाल नहीं रहता, कौन पूछ के नहीं देखते बेचारे इफ्तारी में। परसों में एक गांव गया था, विलेज वन, जो हम मकतब विलेज वन है, वहाँ पे हम इफ्तारी में इतनी चीज़ देखे, 60 आदमियों के दरमियान हम 3 आदमी जितनी आमतौर पर इफ्तारी खा लेते घर में, उतनी इफ्तारी सिर्फ 7 आदमियों के बीच में थी। तो उससे एहसास हुआ कि कितना गांव में जो है काम का तवज्जो देने का जो है अहम तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर गांव पहुंच गए इंशाल्लाह बच्चों से मिलने के बाद में एक वीडियो ले लेते। चलो कुरान पढ़ना पाबंदी से। उठ के ठहरो बेटा। हेलो, आपका नाम क्या है? महबूब साहब। बहुत अच्छा।